हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट फिटर। जैसे कि एक चीजल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड वहां पे मैंने अच्छी तरीके से टाइप्स ऑफ चीजल्स एंड चिपिंग क्या होता है, हॉट चीजल एंड कोल्ड चीजल क्या होता है एंड चीजल को हम किस टाइप का एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, वो सब अच्छी तरीके से मैं वहां पे समझा दिया था। आई होप कि वो चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा वो सेशन, ठीक है। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि जब भी चीजल से क्वेश्चन आता है कोई कोई एग्जाम में क्या होता है ना, इसी एंगल सेक्शन में से ही वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसका थ्योरेटिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आज देखेंगे एंगल्स ऑफ चीजल्स, किस तरीके से एंगल मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या एंगल हमको देखने को मिलता है एक चीजल में, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चरियल व्यू में आपको अच्छी तरीके से डायग्राम वे में मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप कभी ये वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अटेंशन कभी भी इधर उधर का डिस्टर्ब मत हुई है, ये चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जो भी 10 से 15 मिनट यहाँ पे मैं आपसे आपको मैं समझाऊंगा, आप अच्छी तरीके से समझिएगा इसको प्लीज, ठीक है। चलो देखेंगे एंगल्स ऑफ चीजल। एंगल्स ऑफ चीजल इसका कुछ मैंने इंपोर्टेंट चीज मैंने बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि पिक्चर में कि एक्चुअली में एंगल्स ऑफ चीजल क्या क्या हमको देखने को मिलता है एक चीजल में, ठीक है। चलो मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम कर लिया हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। पिक्चर को माइंड मत करिए, जिस टाइप का पिक्चर भी, लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया हूं एक्स्ट्रा एक चीजल का पिक्चर फ्रंट व्यू में, ठीक है। चलो देखेंगे क्या क्या एंगल हमको देखने को मिलता है चीजल में एंड क्यों ये एंगल जरूरत होता है वो मैं ग्रेजुअल आपको बताते जाऊंगा। पहले हमारा ये ड्यूटी है कि हमको जानना कि क्या क्या एंगल हमको देखने के लिए मिलता है एक चीजल में। फर्स्ट आपको देखने के लिए मिलता है पॉइंट एंगल, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं आप उसको बस ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से ये सुनिए एंड ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूं। पहले हमको देखने को मिलता है एक एंगल होता है पॉइंट एंगल। पहले देखेंगे चीजल में पॉइंट एंगल क्या होता है, ठीक है। देखिए जो भी मैंने आपको एंगल में समझाऊंगा ये पिक्चर के हिसाब से, ठीक है, वो उसका चीजल का साइड व्यू होगा। और आप तो कभी ना कभी तक चीजल देखे होगा, नहीं तो लास्ट जो फर्स्ट क्लास से मेरा वहां पे मैंने चीजल का आपको दिखाया था पिक्चर का पिक्चर लेके, तो वहां पे भी आप देखे होगे कि चीजल किस तरीके से दिखता है, ठीक है। नहीं देखे हो तो यहाँ पे देखिए, ये चीजल का फ्रंट व्यू है। आप अगर चीजल को यहाँ पे देखोगे ना, ये उसका फ्रंट पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये ब्रॉड पार्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये उसका फ्रंट पार्ट है। अगर आपको साइड व्यू देखना है तो साइड व्यू है ये चीजल का, साइड व्यू है, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी बना चुका हूं, वही चीजल का, यही जो चीजल का इसी का ये है, ये साइड व्यू है, ठीक है। एंड जब भी हम एंगल हम देखेंगे उसका साइड में ही देखें, क्योंकि साइड में हमारा नीचे वाला एंगल को भी देखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड ऊपर वाला एंगल को भी देखना है, ठीक है। एंड जब भी आप चीजल करते जाओगे यहाँ पे आप स्ट्राइकिंग करोगे तो ये क्या होगा, आप अगर यहाँ पे स्ट्राइकिंग करोगे ये पूरा का पूरा चीजल यहाँ पे तो मेंटेन यहाँ पे तो होगा ना पूरा का पूरा चीजल, लेकिन आपका जो एंगल है जब एंगल मेजर करोगे एंगल कोई चेक करेगा वो तो ऊपर से नहीं देखेगा, वो ऑब्वियसली साइड में ही देखेगा, ठीक है। एंड जब भी आप चीजल को एक साइड में देखते हैं इसी टाइप का ये दिखता है। तो मैंने पहले ये चीज इतना छोटा सा चीज इसीलिए बताया कि ये पिक्चर में आपको पहले पता होना चाहिए कि किस चीजल का कौन सा साइड से ये एंगल हमको समझाने को कोशिश कर रहा है, ठीक है, चीजल का साइड एंगल से। मैं यहां पे लिख देता हूं ये चीजल का साइड एंगल है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है, साइड एंगल है। चलो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक चीजल को किस टाइप का हम एंगल कौन सा साइड से हम एंगल हमारा देखते हैं, हम कौन सा साइड से एंगल हम देखते हैं, ठीक है। चलो पहले हम देखेंगे पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल कुछ नहीं है, बस पॉइंट एंगल ये है कि एक चीजल का पॉइंट, याद रखिए मैं जो बोल रहा हूं, एक चीजल का पॉइंट, हर एक चीजल का पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम कटिंग करते हैं, ठीक है, कटिंग पॉइंट या पॉइंट, ठीक है, कटिंग एज भी उसको बोल सकते हैं या पॉइंट भी बोल सकते हैं, वही पॉइंट जितना एंगल में बना हुआ है, वही पॉइंट जितना एंगल में बना हुआ है उसको हम पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल बोलते हैं, इसको हम कटिंग एंगल भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब ये हमारा एक चीजल हो गया, इसका पॉइंट कहाँ है, ये वाला देखिए, इसका पॉइंट ये है ना,
ये एक तो पॉइंट है, यहां से ऐसे जाएगा एंड ये के पॉइंट है, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा तो उसका पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ये जितना एंगल क्रिएट करेगा इसको हम बोलेंगे पॉइंट एंगल, इसको हम बोलेंगे पॉइंट एंगल। आई होप कि समझ में आ गया आपको पॉइंट एंगल क्या है। ठीक है, पॉइंट एंगल, एंगल ये पॉइंट एंगल क्या होता है ना, पॉइंट एंगल चिजल का कटिंग एज एंगल, जितना एंगल फॉर्मेशन करता है उसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं। एंड ये वाला एंगल में कोई भी कुछ मतलब रटने को जरूरत नहीं है या याद करने को जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख के बता सकते हैं ये पॉइंट एंगल है। याद रखिए पॉइंट एंगल ये होता है, ये हमारा जो चीजल का जो कटिंग शार्प एज है ये वाला, ये जितना एंगल फॉर्मेशन करता है वही एंगल होता है हमारा पॉइंट एंगल। आई होप कि ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। मैं हर एक एंगल यहीं पर आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा किया हूं। चलो हमारा पॉइंट एंगल आपका खत्म हो गया, जो खत्म हो गया उसको मैं टिक मार देता हूं। ये मैंने आपको पहले के ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं किस टाइप का एंगल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले ये चीज जानना जरूरी होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये सब चीज क्लियर कर देता हूं। चलो पॉइंट एंगल क्लियर हो गया, मैं पूछूंगा मुझे भी बता सकते हो आप आराम से भरवाली कि पॉइंट एंगल कटिंग एंगल होता है, जितना एंगल हमारा कटिंग एज का होता है। ठीक है, फिर देखेंगे इसका रेक एंगल, रेक एंगल क्या होता है देखेंगे, इसका क्यों जरूरत पड़ा वो मैंने आपको बोला था कि ग्रेजुअल में बताते जाऊंगा, ठीक है, स्लाइड टू स्लाइड। पहले हम देखेंगे ये एंगल होता क्या है, रेक एंगल क्या है ना, रेक एंगल देखेंगे हम ये जो कटिंग एज है, ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे हम कहां पे, ये वाला पिक्चर में हम देख लेते हैं, ये वाला जो हमारा कटिंग एज है, ये वाला कटिंग एज का जो टॉप पार्ट है जो भी मेंटेन होगा यहां पे जो डिस्टेंस है, ये कटिंग पॉइंट एंगल था ना, ये वाला जो टॉप सरफेस गया ये वाला से, और ये वाला उसका एक नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एक राइट एंगल, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे, ये पूरा पॉइंट को टच होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे टच नहीं किया आपको समझाने के लिए, ये वाला यहाँ पे पूरा टच होगा। ठीक है, ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाला पूरा का पूरा एंगल एंड ये वाला, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल आएगा इसको हम बोलेंगे रेक एंगल। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया, रेक एंगल कुछ नहीं, अगर आप कोई पूछेगा रेक एंगल क्या है ना, इसका जो कटिंग एज का टॉप पार्ट आप ले लेंगे उसका फ्रंट वाला एक्सिस ले लेंगे, ये एक्सिस कहां पे जाएगा, कटिंग एज को, इसका जो पॉइंट को टच होकर जाएगा, ये वाला जो टॉप पार्ट आएगा इसको हम बोलेंगे रेक एंगल। ठीक है, उसी टाइप का हम देखेंगे क्लियरेंस एंगल क्या होता है ना, क्लियरेंस एंगल ये है कि इसका जो बॉटम पार्ट है, ये वाला एक तो कटिंग एज का टॉप पार्ट, ये बॉटम पार्ट, और इसका बेस, और ये बेस अपने तरफ से मैं यहां कहीं पे भी नहीं डाल सकता हूं। ठीक है, बेस में वही डालूंगा जहां पे कटिंग एज को ये टच होकर जाएगा। ठीक है, ये इसका बीच में जितना गैप मिलेगा ये होगा हमारा क्लियरेंस एंगल। ठीक है, ये दोनों तीनों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दो से तीन एंगल, ये मैंने आपको समझा दिया कि ब्रॉड आइडिया में, ये होता है उसका कटिंग एज से नीचे वाला होता है क्लियरेंस एंगल, ये टॉप वाला होता है रेक एंगल। ये वाला को याद रखना नहीं चाहिए, ये वाला आपको याद हो जाना चाहिए ऐसे ही नॉर्मली पिक्चर दे, क्योंकि क्लियरेंस एंगल मतलब क्या, क्लियरेंस में, क्लियरेंस मतलब क्या, गैप, हम कितना गैप प्रोवाइड करते हैं वो एंगल को हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ये वाला बेस है, यहां से यहां हम इतना गैप मेंटेन किए तो इसको हम क्लियरेंस एंगल बोल देंगे। ठीक है, वही है ये पिक्चरियल व्यू में मैंने इस टाइप का समझा दिया एंड एक इजुए में भी आपको बता दिया। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो पॉइंट एंगल खत्म हो गया, रेक एंगल खत्म हो गया, क्लियरेंस एंगल खत्म हो गया। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, देखिए एक चीजेल, ठीक है, एक चीजेल कितना एंगल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है ना, एक चीजेल कितना एंगल फॉर्मेशन, इसको मैं ये पहले इरेज कर लेता हूं, ये चीजेल, ये पूरा का पूरा ये चीजेल, उसका बेस से कितना डिग्री एंगल में ये फॉर्मेशन हुआ है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, मतलब ये कितना एंगल में ये बेंड हुआ है, पूरा अच्छी तरीके से सुनिए, ये कितना एंगल में बेंड हुआ है, ये चीजल कितना एंगल में बेंड हुआ है, या कितना एंगल में, इसको प्रॉपर टर्म में बोलेंगे तो इंक्लाइंड हुआ है। ठीक है, कितना एंगल में इंक्लाइंड हुआ है, हम चीजल का ये के पार्ट है, ये के पार्ट है, ये के पार्ट है, बॉडी में इतना सारा पार्ट है, तो हर जगह में हम चूज करेंगे क्या, कितना एंगल ये बेंड हुआ है, हम प्रॉपरली कैसे समझेंगे, इसका एक सेंटर लाइन बीच में हम ले लेंगे। ठीक है, ये सेंटर लाइन से
हमारा जो बेस है उसके बीच में जो एंगल रहेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आई होप कि इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं समझाया होगा जिस तरीके से मैंने समझा दिया। एक चिजल पूरा का पूरा बॉडी यहां से यहां तक है, एक चिजल यहां से कितना एंगल में बेंड हुआ है इसको हम कैसे पता करेंगे ना, इसका जो सेंटर लाइन है चिजल का अप्रोक्सीमेटली आपका एक बीच वाला एक वाला एक सेंटर ले लीजिए, उसका जो बेस है ये कितना डिग्री एंगल में ये बेंड हुआ है वही होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मोटा मोटी इसको सिंपल वर्ड में बोलने अगर हम बोलेंगे तो ये है कि कितना एंगल में हम चीजल को बेंड किए हैं, ठीक है, हाथ में इसको होल्ड करके कितना एंगल में इसको बेंड करके हम यहाँ पे स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, यही होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये सब चीज आगे बहुत ही जरूरी होता है टर्म को याद रखना, पॉइंट एंगल क्या है, रेक एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, क्लियरेंस एंगल क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो जब देख रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये सब टर्म आप सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो जब आपके पास है बार बार इसको देखिए, मैंने हर एक चीज हर एक लाइन को बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया हूं, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं पहले जहां पे पढ़ चुके हैं और अभी जैसे पढ़ रहे हैं। आई होप कि इतना डिटेल्स में कोई नहीं समझाया होगा, ठीक है, अगर आप इतना सिंपल वे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आपके और अच्छे से रिवाइज्ड हो जाएगा। ये वीडियोस को बार बार आप देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलो ये हमारा एक ब्रॉड आइडिया हो गया जो 10 मिनट ऑलरेडी चला गया है ये इतना सा समझाने में, ठीक है, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे हमारा जो एक्चुअली इसको अच्छी तरीके से और समझेंगे कि ये चीज होता क्या है। एक्चुअली देखेंगे पॉइंट एंगल, ठीक है, ऑलरेडी हम समझ चुके पॉइंट एंगल क्या होता है, ठीक है, और जरूरत नहीं है वही लिखा हुआ है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए मैं नोट भी किया हूं, देख लेते। द करेक्ट पॉइंट एंगल और कटिंग एंगल ऑफ द चिजल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू बी चिप्ड एंड शार्प एंगल आर गिवन फॉर सॉफ्ट मेटल्स एंड वाइडर एंगल गिवन फॉर हार्ड मेटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोलने का ये तरीका ये बोल रहा है कि देखिए हमारा ये जो चिजल का जो कटिंग एज है, ठीक है, यहां से यहीं पे देखिए, यहां से पूरा यहां तक जो कटिंग एज है, मैंने आपको जो बोला था ये वाला जो कटिंग एज है, ठीक है, ये कटिंग एज है यहां पे देख लीजिए, ये वाला जो कटिंग एज है, ये वाला कटिंग एज क्या अपने मर्जी से मेंटेन करेंगे, नहीं, ये कटिंग एज फ्लक्चुएट करेगा। ये सॉफ्ट मेटल के लिए हम इसका बहुत ही छोटा सा लेंगे और हार्ड मेटल के लिए इसको बहुत ही बड़ा सा लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से इरेज कर लिया, यहीं पे हम समझेंगे। देखिए ये वाला जो इसका जो पॉइंट एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल वैरी करेगा, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है, देख सकते हैं, ये वाला ये एंगल ये वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा ना, आप अगर सॉफ्ट मेटल को आप अगर चिजलिंग करेंगे चिपिंग करेंगे तो सॉफ्ट मेटल के लिए ये एंगल कम लेंगे, ठीक है, ये एंगल मेंटेन कम करेंगे, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा बड़ा वाइडर आप एंगल चूज करेंगे तो ये क्या होगा, ये सॉफ्ट मेटल के लिए जरूरत नहीं है, ये क्या करेगा, नहीं उसको डैमेज कर देगा, इसीलिए हम क्या करेंगे ना सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम थोड़ा सा फाइनर लेंगे, बहुत ही छोटा सा एंगल लेंगे, लेकिन इसका बड़ा वाला वाइडर एंगल हम प्रोवाइड करेंगे, ये वाला बड़ा वाला वाइडर एंगल हम प्रोवाइड करेंगे किसके लिए ना, हार्ड मेटल के लिए, ठीक है, वही यहीं पे लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट एंगल है आप याद रखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल हम चिपिंग करेंगे, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको पॉइंट एंगल क्या होता है और वो किस तरीके से वो चेंजेस होता है ना, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड मेटल के लिए वाइड एंगल, शार्प मेटल के लिए, ठीक है, शार्प एंगल लेंगे हम सॉफ्ट मेटल के लिए, सॉफ्ट मेटल के लिए शार्प एंगल लेंगे, हार्ड मेटल के लिए हम वाइडर एंगल हम चूज करेंगे, ठीक है, याद रखिए ये पॉइंट एंगल। एंड द करेक्ट पॉइंट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जेनरेट द करेक्ट रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल। आई होप ये भी समझ में आ गया। देखिए ये क्या बोल रहा है ना, ये जो पॉइंट एंगल है अगर इसको हम अच्छे से मेंटेन करेंगे तो ये वाला नीचे वाला एंगल भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल हमारा क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, जो ऑलरेडी मैं समझा दिया। ये वाला एंगल क्या बोलते हैं, इसको हम रेक एंगल बोलते हैं। क्यों होगा ना, देखिए कि अगर हम पॉइंट एंगल को जिस तरीके से हम मेंटेन करेंगे, ये वाला पॉइंट एंगल को उसी ये पॉइंट एंगल क्या करेगा ना, ये इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, इसका जो क्लियरेंस एंगल, क्योंकि ये अगर बड़ा हो जाएगा क्लियरेंस एंगल छोटा हो जाएगा, अगर ये
यहां से पूरा बड़ा हो जाएगा तो ये भी रेक एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट एंगल है ये वाला बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये पॉइंट एंगल ये फ्लक्चुएट करता है, ये उसके ऊपर इफेक्ट डालता है क्लियरेंस एंगल के ऊपर, रेक एंगल। ये पॉइंट एंगल होने के बाद ही हम ये दोनों एंगल को डिसाइड करते। यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत ही स्लो और अच्छी तरीके से आपको समझा दिया कि द करेक्ट पॉइंट एंगल एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जेनरेट द करेक्ट रेक एंगल, ठीक है। करेक्ट पॉइंट एंगल हो गया एंड उसी तरीके से ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, ये जो चिजल का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये जिस टाइप का होगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जिस टाइप का ये फॉर्मेशन करेगा उसी टाइप का क्लियरेंस एंगल के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ऑब्वियसली अगर ये चिजल बहुत ही नीचे हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट होगा तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा, कौन सा एंगल, एक एंगल। फिर ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर यहाँ तक पूरा चला जाएगा तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा। तो उसी ये बोलने का ये कि ये थ्योरेटिकल ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट एंगल है एंड ये जो रेक एंड ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसको, रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल को डिसाइड करने में। आई होप कि मैंने अच्छी तरीके से ये समझा दिया, ठीक है। अभी हम चलेंगे रेक एंगल। ऑलरेडी मैंने रेक एंगल बता दिया था, ये पॉइंट एंगल होता है, ठीक है, ये पॉइंट एंगल और इसका पॉइंट एंगल से टॉप कटिंग एज से बाय ये कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल जो भी बोल सकते हैं, इसका जो टॉप वाला कटिंग एज से जो एंगल फॉर्मेशन करेगा टॉप वाला यहां तक वो वाला होगा हमारा रेक एंगल, ठीक है। इसका जो नॉर्मल ये वाला है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, और ये वाला है बेस, और इसके साथ जो फॉर्मेशन करेगा वो होगा क्लियरेंस एंगल। वही लिखा हुआ है, रेक एंगल इज द एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ द कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट का टॉप फेस है कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वर्क सरफेस, ये नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। जो भी आईटीआई स्टूडेंट्स है ये वाला वर्ड आपको कंफ्यूज मत हुई है, ये नॉर्मल हम किसको बोल, जो 90 डिग्री होता है उसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल टू द वर्क सरफेस, वर्क सरफेस एट द कटिंग एज, एट द कटिंग एज मतलब ये कटिंग एज में एक जो हम 90 डिग्री लेंगे, ठीक है, अपने मर्जी से यहां वहां नहीं लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री। यहीं पर जो एंगल ये फॉर्मेशन करेगा उसको हम बोलेंगे कि रेक एंगल, ठीक है, वही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी क्लियरेंस एंगल वही है, इट इज द ये बेस से नीचे से जो एंगल ये फॉर्मेशन करेगा यहां से नीचे वाला कटिंग से कटिंग एड से वो होगा हमारा क्लियरेंस एंगल, वही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। एंड देयर आर टू कंडीशंस इन क्लियरेंस एंगल, ठीक है, क्लियरेंस एंगल में दो कंडीशन हमको मिलता है, ठीक है, उसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। बहुत ही क्लियरेंस एंगल क्या है, अभी मैंने तो जो समझा ना क्लियरेंस एंगल यही है, ये वाला जो नीचे वाला कटिंग एज से जो बेस के साथ जो एंगल फॉर्मेशन करता है, ये एंगल किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है इसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलो पहले हम समझ लेते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है। ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही हर एक चीज डिसाइड होता है कौन सा मटेरियल को कितना एंगल हम प्रोवाइड करेंगे। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम चिजल को कितना डिग्री में बेंड करके हम चिपिंग कर रहे हैं, चिजलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, ठीक है, देखेंगे। ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसको करेक्ट रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इसको हम ज्यादा ऊपर नहीं रख सकते नहीं तो चिजल का पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इसको हम ज्यादा नीचे नहीं रख सकते नहीं तो चिजल यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, ठीक है, ओके ना, ओके, देखेंगे ना। इट इज द एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ ए चिजल टू द बेस लाइन ड्रॉन एट द कटिंग एज, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। एक चिजल का हम सेंटर लाइन लेंगे एंड एक जो वर्क पीसेस का जो कटिंग एज से हम बेस एक ले लेंगे, उसके बीच में जो एंगल फॉर्मेशन करेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मतलब इसको सिंप्लीफाई वे में बोलने से हमारा चिजल कितना एंगल में बेंड हुआ है वही है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। हम स्ट्राइकिंग करने का टाइम है चिजल को कितना डिग्री में बेंड करके चिजलिंग करते वही होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो बोलिए, मैं बार बार और समझा दूंगा और एक वीडियोज में, ठीक है। एंड देयर आर टू कंडीशन इन क्लियरेंस एंगल ऑफ द चिजल, जो हम लास्ट टाइम पढ़े थे, ठीक है, लास्ट स्लाइड में यहां पे वही लिखा हुआ था, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को जानना बहुत ही जरूरी था। चलो देखेंगे क्या 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 दो पॉइंट है ना। इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू लो और जीरो, इसका मतलब अगर ये जो क्लियरेंस एंगल है, क्लियरेंस एंगल कहां से कहां था देखेंगे हम, क्लियरेंस एंगल देखिए, क्लियरेंस एंगल यहीं पे आपको फिर भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। मैंने आपको इसको भी थोड़ा सा अच्छे से और भी समझाना है मुझे, ठीक है। देखिए क्लियरेंस एंगल यही था, ठीक है ना, क्लियरेंस एंगल यही था। आप ध्यान रखिए कि क्लियरेंस एंगल आपको याद हो गया होगा, फिर भी मैंने बोल देता हूँ जिसको याद नहीं है, ये नीचे वाला बेस से इसका जो कटिंग एज का बॉटम सरफेस है, ठीक है। ये वाला एंगल अगर बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब ये वाला लाइन आके यहां पे हो जाएगा,
ये वाला लाइन पूरा यहाँ से लेकर आके यहाँ तक हो जाएगा, मतलब ये वाला अगर क्लियरेंस अगर बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये चिजल पूरी तरीके से क्या होगा ना नीचे आ जाएगा। अगर चिजल पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा नीचे, अगर ये पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा, देखिए ये वाला जो क्लियरेंस एंगल है, ठीक है ना, ये वाला क्लियरेंस एंगल, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला जो क्लियरेंस एंगल है, देखिए ये वाला क्लियरेंस एंगल, इसका जो बॉटम कटिंग एज ना, ये वाला क्लियरेंस एंगल देखिए कितना कम हो गया। अगर इतना सा कम हो जाएगा तो ये क्या होगा ना, चिजल का ये वाला जो, ये वाला मैंने कि यहीं पे नॉर्मल ले लेता हूं, यहीं पे ये वाला देखिए, ये वाला था हमारा क्या रेक एंगल, ये रेक एंगल क्या होगा ना बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, रेक एंगल क्या होगा ना, रेक एंगल बहुत ही बड़ा सा हो जाएगा। देखिए ये जितना नीचे आते जाएगा ये इतना बड़ा एंगल फॉर्मेशन होते जाएगा, ये और भी नीचे आएगा तो ये और भी बड़ा एंगल फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो चिजल है, हमारा चिजल स्लोप हो गया। देखिए चिजल कहाँ पे, चिजल पूरा सब बेंड हो गया इस तरफ, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा कम हो गया, इसको हम नीचे ले लिए, नीचे ले लिए, तो ये एंगल इतना कम होगा कि ये कटिंग करेगा क्या। आप अगर यहाँ पे स्ट्राइकिंग करेंगे ये कटिंग करेगा क्या, ये क्या करेगा, इसे स्लिप होकर चला जाएगा, ठीक है, वर्क पीसेस के ऊपर स्लिप होकर ये स्लिप हो जाएगा, इसे स्लिप होकर चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फोर्स डालेंगे, स्ट्राइकिंग करेंगे, ये स्लिप हो चला, क्योंकि ये चिजल को हम बेंड करके पूरा का पूरा इसको इतना सा ही एंगल दिए, ठीक है। इसको हम ज्यादा एंगल देते या मीडियम प्रॉपर एंगल देते तो ये अच्छी तरीके से ये कट करता, ठीक है, ये वाला कटिंग नहीं करेगा, ये वाला स्लिप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू लो और जीरो, टू लो मतलब कम होगा या क्लियरेंस एंगल बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा चिजल क्या होगा ना पूरा इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला फ्लैट लाइन में आ जाएगा। तो ये कटिंग कहां करेगा, कटिंग ये वाला कटिंग एज तो इस तरफ रहेगा, इसको स्ट्राइकिंग करोगे तो ये तो ऐसे ही स्लिप करते जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ में आ गया। उसी टाइप का अगर क्लियरेंस एंगल इज टू ग्रेट, देखिए चीजल हमारा कितना बड़ा, कितना ऊपर चला गया, हमारा जो क्लियरेंस एंगल था, क्लियरेंस एंगल ये नहीं, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये क्लियरेंस एंगल देखिए, क्लियरेंस एंगल यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला कटिंग एज यहां से लेकर ये वाला बेस के बीच में, ये वाला एंगल अगर इतना बड़ा हो गया तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में देखिए कितना बड़ा हो गया, क्योंकि चिजल तो ऊपर चला गया ना, तो उस टाइप का ये वाला जो रेक एंगल है देखिए कितना छोटा हो गया, बहुत स्मॉल हो गया ना, देखिए कितना छोटा हो गया। तो इस टाइप का क्या होगा ना, अगर इसी टाइप का कंडीशन आएगा तो चिजल क्या होगा ना, चिजल का पॉइंट पूरा का पूरा ऐसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पर आई तो 90 डिग्री भी हो सकता है, नहीं तो ये पूरा का पूरा ऊपर ही चला जाएगा। तो इसमें क्या करेगा, अगर इसके ऊपर अगर आप स्ट्राइकिंग करोगे यहाँ पे, तो ये कटिंग टूल को ऐसे जो वर्क पीसेस को ये अंदर अंदर ही डिग करने चलेगा, डिग मतलब अंदर ही ये क्या करेगा, उसको चिपिंग करते जाएगा, और अंदर चिपिंग करेगा तो ये ना चिपिंग हो पाएगा ना ही अच्छी तरीके से वर्क हमारा पर्पज फुलफिल कर पाएगा, ये क्या होगा, चीजें लेड्स ब्लॉन्ट होगा एंड ये वर्क पीसेस को भी डैमेज करेगा। तो ये कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट कि चीजल को हम ज्यादा डाउन नहीं कर सकते, चीजल को हम ज्यादा अप नहीं कर सकते, ये दोनों का बीच में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये वाला है प्रॉपर करेक्ट पोजिशन, हम ये वाला करेक्ट पोजिशन हमको मेंटेन करना चाहिए। एंड कैसे मेंटेन करेंगे ना, उसका एक प्रॉपर एक डायग्राम है, ठीक है, उसको कौन सा मटेरियल के लिए कितना ये वाला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम मेंटेन करेंगे उसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आ सकता है। कैसे आएगा ना, इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू ग्रेट देन व्हाट विल अफेक्ट टू द वर्क पीसेस, ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, कटिंग एज विल स्लिप कटिंग एज विल डिग कटिंग एज विल मेक ए प्रॉपर कट और नॉन ऑफ दिज ऑप्शन, ठीक है, नॉन ऑफ दिज भी आ सकते हैं। आप लिखेंगे इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू ग्रेट द कटिंग एज विल डिग इन टू द वर्क पीस, ये बात ध्यान रखिए, कटिंग एज डिग्स इन, एंड इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू लो देन द कटिंग एज कैनॉट पेनिट्रेट इन टू द वर्क एंड द चिजल विल स्लिप। ये दो पॉइंट आप अच्छी तरीके से याद रखिए, ठीक है। आई होप कि मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा है चिजल को ज्यादा एंगल कहाँ पे कितने से मेंटेन करने में क्या होता है, मुझे बोले, और एक बार मैं ओनली इसी टॉपिक से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलो
हम ऑलरेडी चेक कर दिए कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसको प्रॉपरली मेंटेन करना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसको मेंटेन करना कितना जरूरी होता है। अच्छा, इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे चलो देखते ना। इसको मेंटेन करेंगे, ये वाला एक प्रॉपर चार्ट है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये चार्ट प्रोवाइड होता है आपका शॉप में, ये इतना क्वेश्चन से एग्जाम से नहीं पूछता है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट एंगल है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये पॉइंट एंगल पूछता है मैं आपको भी अभी समझा दूंगा। इतना इंटरेस्टिंग चीज में, इंटरेस्टिंग वे में कोई नहीं बोला होगा। ठीक है, मैं जिस तरीके से आपको बोल रहा हूं तो आप उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा तभी जाकर समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला क्यों मेंटेन करते, क्यों एग्जाम में ये पूछता है, इसको ज्यादा पूछ नहीं, इसको बिल्कुल नहीं पूछता ये नहीं बोलूंगा, पूछ भी सकता है, कॉम्पिटेटिव बहुत हाई हो गया। ठीक है, लेकिन इसको ज्यादातर पूछता है, क्यों पूछता है देखिए, अगर आपको एक चीजल आप चिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला चीजल है आप चिपिंग कर रहे हैं, इसको लेके ये वाला चीजल का एड जिसका ब्लॉन्ट हो गया, आप इसको क्या करेंगे ना, ग्राइंडिंग व्हील आपको पता होगा। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील में इसको क्या करना, एब्रेसिव पार्टिकल होगा, ग्राइंडिंग व्हील में इसको क्या करेंगे ना, शार्प एड्स प्रोवाइड करेंगे इसको अच्छी तरीके से, और भी शार्प एड्स प्रोवाइड करेंगे। ये वाला एड्स को अगर आप जो भी शार्प एड्स आप प्रोवाइड करेंगे, ये वाला एड जो मैंने अभी हाइड मतलब सेट कर रहा हूं इसको देखिए, ये वाला एड को आप अगर इसको आप ग्राइंडिंग करेंगे अपने मन मर्जी से, कभी इस तरफ ज्यादा ग्राइंड कर सकते, कभी इस तरफ कर सकते, कभी उस तरफ कर सकते, कभी इस तरफ कर सकते, कभी इस तरफ कर सकते, कभी इसको ज्यादा कर सकते, कभी इसको कम कर सकते। इसको नहीं करने के लिए ये पॉइंट एंगल हमारा एग्जाम में इसीलिए पूछता है कि एक स्टूडेंट्स को या एक फिटर को क्या पता है क्या, कौन सा मटेरियल के लिए कितना एंगल वो मेंटेन करेगा। ठीक है, वो पता है क्या, उसको जानने के लिए मेंटेन करना ये जो चार्ट में, ये चार्ट को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, अगर कोई एग्जामिनर आपको हाई कार्बन स्टील दे दिया, बोला कि ये चिजल एड्ज ब्लॉन्ट है, आप इसको लेकर उसको प्रॉपरली इसका एड्ज को ग्राइंडिंग करके शार्प एड्ज कर आप इसको चिपिंग करिए, आप बोले कि हाई कार्बन स्टील है तो आप अपने मन मर्जी से ले लेंगे, एक साइड ज्यादा कर लेंगे, एक साइड कम कर लेंगे, फिर तो डैमेज हो जाएगा। आप देखेंगे कि अरे हाँ, हाई कार्बन स्टील के लिए तो 65 डिग्री होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 65 डिग्री कितना होता है आप देख लीजिए। ठीक है, 65 डिग्री के हिसाब से आप उसको ग्राइंडिंग करके क्या करेंगे ना, फिर उसको यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिए कितना डिग्री एंगल मेंटेन करेंगे, 65 डिग्री आप मेंटेन करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, चलो हाई कार्बन स्टील का हम देखेंगे अभी। हाई कार्बन स्टील का कितना एंगल मेंटेन करना चाहिए ना, 65 डिग्री मेंटेन करना चाहिए, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा वो 39.5 डिग्री, मतलब इसको 39.5 डिग्री में रख के हम इसको चिजलिंग करेंगे। देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कहां गया, ये वाला एंगल 39.5, इसको एंगल इतना रख के हम चिजलिंग करेंगे तभी जाके इसमें से प्रॉपर मटेरियल को रिमूव हो पाएगा। ठीक है, देन इसका क्या बोला ना, देखिए 39.5 एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, लेकिन इसका जो पॉइंट एंगल है इसका याद रखिए 65 डिग्री। ठीक है, इसका जो पॉइंट एंगल है इसको याद रखिए कि इसका 65 डिग्री, जैसे कास्ट आयरन का 60 डिग्री। ठीक है, कास्ट आयरन का 60 डिग्री और 37 डिग्री इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, माइल स्टील का 55 डिग्री 34.5, ब्रास 50 32, 45 कॉपर 29.5। देखिए, ये वाला क्या है ना, ये वाला जो चार्ट है आप इसको याद ऐसे रखिए कि जैसे नीचे आते जा रहा है, जाते जा रहा है, उसी टाइप का क्या हुआ, यहां पे देखिए कि मटेरियल यहां पे थोड़ा सॉफ्टर हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ, ये बहुत ही हार्ड था, उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ, ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हुआ, ये और सॉफ्ट। इसका मतलब जैसे सॉफ्ट होते जा रहा है, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये घटते जा रहा है, इसका जो पॉइंट एंगल ये घटते जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था पॉइंट एंगल डिपेंड करता है मटेरियल टू बी कट, कौन सा टाइप का मटेरियल हम कटिंग करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, डिपेंड करता है नहीं करता है, यहां पे देखिए जैसे घटते गया उसका सॉफ्टनेस बढ़ते गया, इससे उस तरीके से इसका पॉइंट एंगल कम होते गया। तो अगर आपको एल्यूमिनियम पूछा होगा कि एग्जाम में इसका पॉइंट एंगल क्या है, आपको तो ऑप्शन में 65 60 55 दिया होगा, तो आप कंफ्यूज मत हुई कि आपको याद होगा कि अरे एल्यूमिनियम तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसका तो 60 से, इसका तो 70 से लेकर 50 या 40 तक तो ये नहीं हो सकता है, ये 30 के आसपास कुछ होगा, तो ऐसे चूज करके आप ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया। ठीक है, आप कैसे आपका जो नॉलेज है प्रैक्टिकल में कैसे उसको यूज करेंगे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए।
जैसे हम एग्जाम के टाइम में याद रख के जाते थे। आई होप कि ये जो सारे था ये 30 मिनट का क्लास में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। हर एक चीज छोटा छोटा चीज को दो तीन बार रिपीट करके मैंने आपको समझाया। ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, पॉइंट एंगल है, रेक एंगल है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अच्छी तरीके से हमको चीजें लिंक करने के लिए। अगर इसमें से कोई भी डाउट रहा मुझे बोलिए, मैं और एक वीडियोज में इसका एक स्पेसिफिक ओनली इतना एंगल को लेकर मैं आ जाऊंगा जो कि 10 मिनट का होगा, आपको अच्छी तरीके से वहां पे समझा दूंगा। अगर यहीं पे क्लियर हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड। एंड इसको और एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। एंड नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले जो कि बहुत ही वास्ट है, वहां से क्वेश्चन तो भर भर के आता है एंड वहां पे डाउट्स भी ज्यादा रहता है, वो है ड्रिल, ठीक है। मैं हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कैसे ड्रिल को कैलकुलेट करेंगे, कैसे ड्रिल को यूज करेंगे, कितने टाइप का ड्रिल होता है, कहां पे ड्रिल को हमको यूज करना चाहिए, कितना उसको फीड स्पीड आरपीएम क्या सब है, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छी से रहिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन बहुत अच्छी से करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।